जो फोटो या वीडियो आप देख रहे हैं ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के एक शहर गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इस रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस रेलवे स्टेशन की खूबी यह है कि ये तो खूबसूरत है ही, ठीक इसके ऊपर एक 5-स्टार होटल भी है। हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जिसके ऊपर 5-स्टार होटल है। बाकी बहुत सारी खूबियां भी इस रेलवे स्टेशन पर हैं। क्या आप नहीं चाहते, हम सब नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के सारे रेलवे स्टेशन ऐसे ही खूबसूरत हो जाएं? कम से कम सारे नहीं तो वो स्टेशन ज़रूर अच्छे हो जाएं जो कि राज्यों की राजधानी के स्टेशन हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तो नेताओं की इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है कि वो सभी स्टेशन को इतना खूबसूरत बना दें। दूसरे, अगर वो स्टेशन इतने खूबसूरत हो भी जाते हैं तो भी हम भारत में रहने वाले लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि उस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को हमेशा मेंटेन रखें। इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि रेलवे ने पिछले कई सालों में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई हैं। इसके बावजूद ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो आज भी रेलवे में है और उसकी वजह से रेल मुसाफिरों को परेशानियों का सामना होता है। जैसे रेलवे में आज भी चोरी होती है, आज भी डकैती होती है, रेलवे के बाथरूम में आज भी पानी नहीं होता, आज भी सीटें फटी होती हैं, आज भी लाइट ख़राब होती है, पंखे ख़राब होते हैं, ट्रेनों की छत कभी कभी टपकती रहती है। ये तो वो कमियां हैं जो सरकार की तरफ से होती है या रेलवे की तरफ से होती है। New Delhi, Sri Mata Vaishno Devi Katra Special will depart at its scheduled time. अब अगर हम अपनी जिम्मेदारी देखें तो हम भी रेलवे की कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं करते। हमेशा ये लिखा हुआ देखते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। इसके बावजूद हम भारत के लोग रेलवे से पंखा चोरी कर लेते हैं। कितने शर्म की बात है कि चोरी के डर से बाथरूम में जो मग होता है उसमें रस्सी लगी होती है, लोहे की कड़ी लगी होती है ताकि आप इसे चोरी न कर सकें। क्या आपकी ये गलती नहीं है कि आप चिप्स तो खा लेते हैं लेकिन रैपर अपनी सीट के अंदर छुपा देते हैं या सामने ही फेंक देते हैं? आप खाना तो खाते हैं लेकिन आपकी रोटी का हिस्सा या आपके खाने का हिस्सा वहीं सीट के नीचे या सीट पर ही गिरा होता है। ये गलती किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी अपनी है। अब अगर मान लें कि गांधीनगर जैसा स्टेशन हिंदुस्तान में दूसरा हो भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम उस स्टेशन की हिफाजत करेंगे? खुद गांधीनगर के बारे में मैं कहता हूँ, क्या गारंटी है वो स्टेशन जितना खूबसूरत हो गया है उतना आगे भी बना रहेगा? इससे पहले भी हिंदुस्तान में कई ऐसे स्टेशन हैं जो कुछ अच्छे बना दिए गए, खूबसूरत बना दिए गए, लेकिन रेलवे के जो मुसाफिर हैं वो जहाँ आए जिधर आए थूक देते हैं, रैपर फेंक देते हैं, खाना फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं। ऐसे में भला सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि आपको वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन दिया जाए? इतने सालों बाद भी ट्रेनों का लेट चलना आम बात है। कोरोना के इस दौर में वैसे तो ज़्यादातर ट्रेनें वक्त से पहले स्टेशन पर पहुँच रही हैं, लेकिन आम दिनों में ज़्यादातर ट्रेनें, 1, 2, 3, 4 नहीं, ज़्यादातर ट्रेनें हमेशा लेट ही रहती हैं। और अफसोस की बात यह है कि इतने सालों बाद भी, इतने विकास के बाद भी, साइंस के इतने तरक्की कर जाने के बाद भी ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को ये पता नहीं चल पाता कि ट्रेन आखिर लेट क्यों चल रही है। रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास का बना देना काफ़ी नहीं है, बल्कि रेलवे में कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका होना ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़रूरी है रेलवे के सफ़र के दौरान, ट्रेन के सफ़र के दौरान यात्रियों की सुरक्षा। रेलवे इन दिनों आए दिन ये ऐलान करती है कि वो देश के कई ऐसे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बना देगी। ये एक अच्छी पहल है और कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ 2-4 स्टेशनों को नहीं बल्कि ज़्यादातर स्टेशनों को अच्छा किया जाए। ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है और ख़ुशी की खबर है।
हम मुसाफिरों को भी इस बात की गारंटी लेनी चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए हम भी रेलवे को अपनी संपत्ति समझें और उसकी हिफाजत करें।